नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में शिवसेना से पंगा लेकर सुर्खियों में आई नवनीत राणा के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं जब गोदी मीडिया को फुल पेमेंट मिलता है। नवनीत राणा जी, जब आप 2019 में चुनाव जीत कर आई तो आप निर्दलीय सांसद बनकर आई थी, लेकिन शिवसेना का कहना है कि आप नकली हिंदुत्ववादी हैं। जब जय श्री राम के नारे बीजेपी संसद में लगा रही थी तो आपको एतराज था, लेकिन अब आप हनुमान चालीसा मातोश्री के बाहर जाकर पढ़ना चाहती हैं। मतलब आप बीजेपी की बी टीम हो गई। आपका जवाब? मुझे लगता है मैं निर्दलीय चुन के आई थी, निर्दलीय हूँ। और कौन असली है और कौन नकली है, अगर वो किसी को ठेकेदारी दे दी है वो शिवसेना नहीं बताएगी कि कौन असली हिंदुत्व है, क्योंकि आज तो उनके बैनरों पे लग रहा है कि वो असली और वो दूसरे नकली हैं। और वही पेमेंट जब लेट होता है फिर इंटरव्यू कैसे होता है, तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए, आप हनुमान जी की इतनी भक्त हैं तो मुझे बताइए हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा? हनुमान जी राम के सेवक थे, राम को फॉलो करने वाले थे। हनुमान जी का नाम पहले से हनुमान नहीं था, कैसे पड़ा? हनुमान जी का नाम तो अभी पूरा इतिहास में आप लेके जाएंगे तो जरूर इतिहास भी पढ़ी जाएगी फिर से। ओह माय गॉड। पर हनुमान चालीसा मैं पढ़ती हूँ, उसके बारे में मैं जरूर बता सकती हूँ। नवनीत राणा जी, मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा। एक बार कहा जाता है कि हनुमान जी जो बचपन में बहुत नटखट थे, उन्होंने सूर्य देवता को अपने मुंह के अंदर ले लिया था और पूरी दुनिया में अंधकार छा गया था। इस बात का जब इंद्र जी को पता चला तो वो बहुत बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर वार किया था, जिससे ठोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। और अब संस्कृत में ठोड़ी को कहा जाता है हनु, और मान यानी कि जो थोड़ी सी विकृत हो जाए या टेढ़ी हो जाए, तब से उनका नाम हनुमान जी। रुला दिया ना बेचारी को। तो आप इतनी हनुमान भक्त हैं, आपने पढ़ा नहीं हनुमान जी के बारे में? मुझे लगता है कि मैं हनुमान चालीसा जब जब संकट आई है, जब छोटे बचपन से हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या सुनते हैं, तो हम जितना इसमें पढ़ती हूँ मैं उतना, और आपके बताने के बाद अब ज़रूर इतिहास पीछे भी जाया जाएगा और पूरा इतिहास भी पढ़ा जाएगा। हम हमेशा कहते हैं कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है और पब्लिक ही सबकी बॉस होती है। तू मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ। ये कौन? तबाके जाएगा चेतावनी के बाद।